नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ पैंक्रियाटाइटिस के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। पैंक्रियाटाइटिस क्या है इसके विषय में एवं इसकी होम्योपैथिक औषधि बताने जा रहा हूं। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। पैंक्रियाटाइटिस जो है वो हमारे पाचन तंत्र से संबंध रखता है। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि उन्हें बराबर गैस की शिकायत रहती है, उनका पेट हमेशा फूला फूला रहता है, उन्हें नौसिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहती है, उन्हें पतले दस्त आते हैं, कभी कभी कब्ज हो जाता है, कभी पतले दस्त आते हैं। तो मूल बात यह है कि उनका खाना सही से नहीं पच पाता है, जिस कारण से पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है। अब पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी होती कैसे है? हमारे शरीर में पाचन तंत्र में कई यंत्र लगे हुए हैं, जिसमें लीवर, गोल ब्लैडर जिसे पित्त की थैली एवं पैंक्रियाज और अन्य कई प्रकार के यंत्र हैं, जिनमें पैंक्रियाज बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए पैंक्रियाज की अहम भूमिका है। पैंक्रियाज से हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन का कार्य है कि वे बाइल डक्ट यानी कि पित्त रस से मिलकर हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं के पाचन में सहायता प्रदान करती है। लीवर से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वे जूस जो पित्त की थैली से होते हुए छोटी आंत में आती है, एवं पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये दोनों मिलकर छोटी आंत में भोजन को पचाता है। अगर किसी कारणवश पैंक्रियाज के हार्मोन का जो निर्माण है उसमें बाधा पहुंचे तो पेट दर्द, वोमिटिंग, पतले दस्त, कब्जियत जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कई लोग परेशान रहते हैं। आजकल ऐसा केस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कारण यह है कि हमारे खान पान की गड़बड़ी के कारण ही पैंक्रियाज से इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है। तो पैंक्रियाज का कार्य ही है कि वे इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर में शुगर का नियंत्रण होता है, या तो शुगर की मात्रा घटती है या बढ़ती है। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को नहीं बना पा रहा है, जिस वजह से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। शुगर रोग के बढ़ने एवं घटने का कारण पैंक्रियाज ही है, क्योंकि पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन ही शुगर को नियंत्रित करता है। चाहे आपका शुगर घट गया हो या शुगर लेवल काफी बढ़ गया, तो शुगर पेशेंट भी ऐसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। अब इसके हम लक्षण पे विचार करते हैं, इसका लक्षण हम कैसे जाने कि हमको पैंक्रियाइटिस हुआ है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण है जिसका चर्चा मैं कर रहा हूँ। इसमें पहला लक्षण है पाचन का सही ढंग से ना होना। जो भी हम खाते हैं वे सही ढंग से नहीं पच पाता है। हमारे पेट में हमेशा मीठा मीठा दर्द रहता है, और ये दर्द खाना खाने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पैंक्रियाज हमारे एब्डोमेन के बाएं हिस्से में रहता है एवं लीवर हमारे एब्डोमेन के दाहिने हिस्से में रहता है, और ये दोनों का काम ही है हमारे शरीर में पाचन तंत्र को नियंत्रित करना। लीवर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है एवं पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, दोनों मिलकर ही हमारे शरीर के पाचन संस्थान को नियंत्रित रखते हैं एवं हम जो भी खाते हैं उसे पचाने में मदद करते हैं। इसके बिना पाचन संभव नहीं है। कई लोगों को ये दर्द अचानक बहुत तेज उठता है। ये रोग बहुत पुराना हो सकता है, नया भी होता है। बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन्हें खासकर ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिनों दिन हम देख रहे हैं कि शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन सही से रिलीज नहीं कर पा रहा है, जिस कारणवश हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। आपके पेट का दर्द धीरे धीरे आपके कमर तक फैल जाता है, और प्रायः ये बना रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, परंतु खाना खाने के बाद यह प्रायः बढ़ जाता है। पैंक्रियाटाइटिस में उल्टी, पतले दस्त, कब्जियत,
गैस बनना, हमेशा पेट फूला हुआ महसूस होना, पेट भारी भारी महसूस होना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी के लिए होम्योपैथिक में तो लक्षणानुसार कई ऐसी औषधियां हैं जिसका सेवन करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु आज मैं प्रमुख 3 औषधियों के विषय में चर्चा करूंगा जिसका सेवन करके आप त्वरित लाभ उठा सकते हैं। दवा का नाम बताने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी दवा का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखिएगा, क्योंकि वही आपके लक्षणानुसार औषधि का चुनाव करके आपको बताएंगे। मैं 3 प्रमुख औषधियों का जिक्र कर रहा हूं इस वीडियो में, जिसका सेवन अगर आप लक्षणानुसार करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। इसमें पहली औषधि है पैंक्रियाटिनम 3X। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर एवं 2 गोली रात्रि में आपको चूसना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन का निकलना बंद हो गया है या कम हो गया है, वे धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा और आप धीरे धीरे इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। जब बहुत ज्यादा दर्द हो तो आप बेलाडोना का प्रयोग कीजिए। बेलाडोना को आपको 30वीं शक्ति में, जब बहुत ज्यादा दर्द रहे तो 2 बूंद 15-15 मिनट के अंतराल पे सेवन कीजिए। जब आप देखें कि आपका दर्द आराम हो जाए तो दिन भर में इसका 3 बार सेवन कीजिए। लगातार आप 15 दिनों तक इन औषधियों का सेवन कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तीसरी औषधि है आयरिस वर्ष। आयरिस वर्ष को भी आपको 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाना है। बार बार उल्टी महसूस होना, मितली की परेशानी हमेशा बना रहना, कुछ भी खाने पीने की इच्छा ना करना, इस परिस्थिति में आप आयरिस वर्ष का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी भी औषधि का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखिएगा। पैंक्रियाटाइटिस में भूख का भी अभाव देखा गया है। बहुत से लोगों को भूख ही नहीं लगती है, धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होते चला जाता है। इन परिस्थिति में इन औषधियों का आप सेवन करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।